हम दोनों देशों ने समग्र वार्ता प्रारंभ करने का फैसला ले लिया है। मैं बता रही हूं, मुझे पूरा कर लेने दीजिए, बता रही हूं। जो डायलॉग कॉम्पोजिट डायलॉग के नाम पे चल रहा था, बाद में रिज्यूम्ड डायलॉग के नाम पर चला, हमने तय किया है कि हम नए सिरे से उसको कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग कहेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग में वो सभी पिलर्स होंगे जो कॉम्पोजिट डायलॉग में थे, पर उसके अलावा भी कुछ और चीजें जोड़ी जा सकती हैं। इस कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज को हमने कहा है कि वो बैठ करके शेड्यूल भी इसका तय कर लें और मोडेलिटीज भी। शेड्यूल यानी कब कब किस किस पिलर की मीटिंग होगी, और मोडेलिटीज यानी कौन कौन सेक्रेटरी या किस लेवल पर ये डायलॉग होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि जो कॉम्पोजिट डायलॉग और बाद में रिज्यूम डायलॉग के नाम से चीज रुकी पड़ी थी, वो बैंकॉक में हमारे एनएसएस की मीटिंग के बाद, और वो एनएसएस की मीटिंग की टॉक्स, वहां की वार्ता सफल होने के बाद आज जो हम लोगों की मुलाकात हुई, उसमें हमने ये तय किया कि भारत और पाकिस्तान आपस में समग्र वार्ता करेंगे। हम एक बहुत छोटा सा एक जॉइंट स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं, उसमें कुछ डिटेल्स हैं जो आपको मिल जाएंगी। मैं चूंकि संसद में कहकर आई हूं कि कल वहां बयान दूंगी, तो इसलिए उस मर्यादा को रखते हुए इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। लेकिन ये खबर हम लोगों को जॉइंट स्टेटमेंट के माध्यम से आपको देनी ही थी, तो मुझे लगा कि इतना मैं स्वयं बता दूं कि भारत और पाकिस्तान समग्र वार्ता के लिए तैयार हो गए।